हेलो स्टूडेंट, यू आर वॉचिंग सीबीएसई गुरु एंड आई होप कि आप ये जो मेरा वीडियो है वो अपने घर पे बैठ के देख रहे हो और सेफली इस टाइम को अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, राइट? और अपने आप को कोविड-19 वायरस से प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो भी मेजर स्टेप्स हैं उसको आप फॉलो कर रहे हो, राइट? तो इस वीडियो को इनिशिएट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के इस लेसन के 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप वो नहीं देखे हो, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई बटन पे क्लिक करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन 3ों पार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो और जो छूटा हुआ चीज़ है वहाँ से आप उसको रिकवर कर सकते हो, राइट? तो इस वीडियो के अंदर हम रेस्ट ऑफ द पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पार्ट 3 में हमने ईसोफेगस तक बात करा था। ईसोफेगस क्या, वहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था, ओरल कैविटी में जो डिजिस टीथ में होता है, जिसको हम बोलते हैं टूथ डीके, राइट? टूथ का डिके होना यानी कि सड़ना, वॉट इट? तो वो कैसे होता है कि जब हम कोई स्वीट खा लेते हैं, यानी कि जब हम मिठाई खा लेते हैं और उसको प्रॉपरली वाटर से वॉश नहीं करते हैं, नहीं धोते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और टीथ को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टूथ डीके बोलते हैं, राइट? तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी स्वीट अगर हम खाते हैं, मीठा चीज़ खाते हैं, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, अच्छा से धो लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया का अटैकिंग ना हो। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं स्टमक के बारे में। स्टमक जो आपका टमी होता है, वॉट इट? तो स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग। स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड का होता है, मस्कुलर बैग है जो प्लेस होता है डायफ्राम के नीचे, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर व्हाट इज एब्डोमेन? डायफ्राम तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो अगर एस्पिरेशन में पढ़ोगे। ओके, तो एब्डोमेन क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी के में ना डिफरेंट रीजन होते हैं, जैसे हेड रीजन हो गया, नेक रीजन हो गया, थोरेसिक रीजन जिसको हम चेस्ट रीजन बोलते हैं, एंड जस्ट बिलो दैट क्या होता है, एब्डोमेन रीजन होता है, यानी कि जो हमारा ये बाहर से बेली वाला जो रीजन होता है, पेट वाला, इसको हम कौन सा रीजन बोलते हैं, एब्डोमेन रीजन बोलते हैं। ओके, और इसी रीजन में स्टमक हमारा प्रेजेंट होता है, राइट? कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट हैंड के साइड में यह प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है कि फूड क्या करता है कि सॉरी स्टमक क्या करता है, फूड को रिसीव करता है कहाँ से, इसोफेगस से। ओके, और स्टोर करता है, इसको हम स्टोरिंग हाउस भी बोलते हैं, फूड को स्टोर करता है। फिर वहां पे फूड का मिक्सिंग होता है कुछ एंजाइम से, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। इसके पहले हम आगे बात करें स्टमक के बारे में। जो स्टमक है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक रीजन। 3 रीजन्स होते हैं स्टमक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक रीजन्स। जो ओपनिंग होता है स्टमक का इंटेस्टाइन की तरफ, उसको हम बोलते हैं पाइलोरस, यानी कि जहाँ पे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं, और पाइलोरिक इंड होता है वो, राइट? यहाँ पे अगर हम स्टमक का स्ट्रक्चर देखें तो स्टमक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगा। यह ईसोफेगस है, और ईसोफेगस के यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, तो यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्फिंक्टर मसल्स। एस्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं, वो रिंग शेप में होते हैं। ओके, मैं इसको आपको अच्छा से बता दूं कि आज का जो मस्टर्ड ऑयल का जो बॉटल आ रहा है, तो मस्टर्ड ऑयल के बॉटल का ऊपर का जो कैप होता है, जैसे आप उस कैप को ओपन करते हो तो वहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, गॉट इट? तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर, अगर आप नहीं देखे हो तो बॉटल को ओपन करके देखना, तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होता है, स्फिंक्टर मसल। ये जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इसके पैसेज को कंट्रोल करते हैं, यानी कि अगर यहाँ से फूड आ रहा है ना, तो इस फूड को आने देंगे, और अगर फूड यहाँ से ऊपर जा रहा है तो रेयरली वो फूड को ऊपर जाने देंगे, यानी कि वहाँ पे ब्लॉकेज का काम करते हैं, एक डोर का काम करते हैं, राइट? कौन सा मसल्स होते हैं, एस्फिंक्टर मसल होते हैं, मतलब उसको बोल सकते हैं कि वो गार्ड के जैसा काम करते हैं। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस, यानी कि फंडिक रीजन है, किसका, स्टमक का। उसके बाद से ये जो मिडल वाला पार्ट है, जिसको बॉडी बोलते हैं स्टमक का, वो कार्डियक पार्ट है। ओके, और कार्डियक पार्ट से जो नीचे वाला जो लोअर रीजन है, उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन और पाइलोरिक पार्ट। और जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे पाइलोरस की, पाइलोरस कहाँ पे आप पूछ सकते हो, पाइलोरस
तो ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो हमारा पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं, राइट। और यही पार्ट किससे जुड़ा होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, सुपेरियर पोर्शन ऑफ द डियोडेनम। डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और यही पार्ट जो है स्टमक का स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है, राइट। तो इस तरीके से क्या है, फूड इसोफेगस से स्टमक में आता है, स्टमक में कुछ देर तक रहता है, ओके। स्टमक के वॉल में कुछ ग्लैंड होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जहाँ से डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है, फूड के साथ मिक्स होता है, फिर वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल को प्रोसीड किया जाता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक के वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ओके, जो क्या सेक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करते हैं। और उनके गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होता है, म्यूकस होता है, ओके। उसके साथ साथ क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होते हैं कहाँ से, बाय द वॉल ऑफ स्टमक, ओके। और इनका स्पेशल फंक्शन होता है, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे HCl का फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, तो इसका टेस्ट कैसा होगा, सावर टेस्ट होगा, राइट। और ये क्या करते हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली फूड के साथ जर्म्स चले जाते हैं अंदर, तो वो जर्म्स हमने देखा तो वहाँ पे सलाइवा भी कुछ जर्म्स को किल कर रहे थे। अगर वो जर्म्स सलाइवा के द्वारा नहीं किल किए गए, तो यहाँ पे HCl होता है और उस जर्म्स को किल कर देते हैं, राइट। इसके साथ साथ जो HCl है, वह फूड के मीडियम को क्या कर देते हैं, एसिडिक मीडियम कर देते हैं, ताकि जो एंजाइम्स हैं उस फूड पे अच्छे से वर्क कर सके। देन एंड देन जो HCl है, वह पेप्सिनोजेन को, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव पेप्सिन है, ओके, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव पेप्सिन है, राइट। तो इनएक्टिव पेप्सिन को हम क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजेन बोलते हैं। तो HCl क्या करता है, जब HCl सेक्रेट होता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम, ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजेन, उसको एक्टिवेट कर देता है और वो बन जाता है पेप्सिन, राइट। तो ये फंक्शन है HCl के, ओके। तो इस तरीके से स्टमक में ऐड होता है ये, ओके। और जो स्टमक से ही फूड का जो व्हाट यू से जो पार्शियल डाइजेशन होता है, वह स्टमक में ही कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो जब हम डाइजेशन देखेंगे, अभी तो हम ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट्री कैनल के पार्ट को। इसके बाद से हम देखेंगे कि फिजियोलॉजी क्या है डाइजेशन का, यानी कि डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है और वो कैसे होता है, ओके। तो जो हमारा सिक्स पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल है, वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। इसका नाम भले स्मॉल है, लेकिन इसका जो लेंथ है वो क्या है, लार्ज है, यानी कि इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि अबाउट 7 मीटर लॉन्ग होता है। अभी इसके पहले आपने किसी भी एलिमेंट्री कैनल के पार्ट में ऐसा नहीं पढ़ा कि यह 5 मीटर या 7 मीटर लॉन्ग है, ओके। लेकिन ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो 7 मीटर लॉन्ग है, ये बस इसका नाम ही स्मॉल है, बट इसके बाकी जो फंक्शन है वो लार्ज है, ओके। यह हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि अंदर एकदम क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में फिक्स होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क में लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा कवर किया होता है अंदर की तरफ, ओके। उसके साथ साथ इसका एक क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, कि जो डाइजेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद से कहीं भी डाइजेशन नहीं होता है। ये भी डिवाइड होता है डिफरेंट पार्ट, जैसे हमने फ्लो चार्ट में देखा था, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है ड्यूओडेनम, यानी कि ड्यूओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका जो शेप होता है सी शेप्ड होता है,
राइट, सी शेप के जैसा दिखाई देता है ये। इसमें कॉमन बाइल डक्ट ओपन होते हैं, डियोडेनम में कॉमन बाइल डक्ट, वैसे डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर से आए और बाइल को कैरी करे। तो ये जो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट होते हैं वो ओपन होते कहाँ पे, डियोडेनम में, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है डियोडेनम, वो रिसीव करता है सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाज एंड सेक्रेशन ऑफ लीवर। ओके, लीवर के सेक्रेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और साथ में पैंक्रियाज के सेक्रेशन को भी, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस को भी और लीवर के भी जूस को, ताकि फूड का अच्छा से डाइजेशन हो सके। जो सेकेंड पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है जेजुनम। क्या बोलते हैं इसको हम, जेजुनम। ये एम्प्टी पार्ट है, यह खाली पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां पे कुछ नहीं होता, कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस फूड पास करता है। ओके, देन जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा इलियम। ओके, हीलियम नहीं, इलियम है। ओके, यह ट्विस्टेड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यह ट्विस्ट होता है जो कंटेन करता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को, जहां से इंटेस्टाइनल सेक्रेशंस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट होते हैं। कहाँ पे, कौन से पार्ट में, इलियम के। यहाँ से आपसे पूछा भी जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो माइंड दिस वन, इलियम इज द राइट आंसर फॉर इट। ओके, इट्स इनर वॉल इज प्रोवाइडेड विथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड इंटेस्टाइनल विलाई। ओके, तो इंटेस्टाइनल विलाई जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, इलियम के तरफ होते हैं, और यह एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ओके, बहुत ही छोटे होते हैं। इनका क्या फंक्शन है, यह इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो विलाई होते हैं, विलाई वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। राइट, जैसे फूड का डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड वेसल को सप्लाई कर देते हैं। राइट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, भूलना मत। अब जो हमारा नेक्स्ट है, हमने पढ़ा था ना कि एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें हमने देखा था, एक पहला था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, पहला था एलिमेंट्री कैनल और दूसरा था ग्लैंड्स। राइट, यानी कि कुछ ग्लैंड्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएट होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उसमें से जो हमारा फर्स्ट है वो है लीवर। राइट, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड वेज अबाउट 1.5 kg। ये जो लीवर है ना, यह हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। राइट, जिसका वेट इज अबाउट 1.5 kg का होता है, यानी कि 1.5 kg का होता है अगर हम इसको लोकल में बोले तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि यह कितना हैवी होता है। ओके, इट इज लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जैसे हमने देखा था स्टमक लेफ्ट साइड में है एब्डोमिन कैविटी के, और ये जो लीवर होता है स्टमक से थोड़ा सा अलग होता है, राइट साइड में होता है, जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द स्टमक, राइट साइड में होता है। ओके, एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, यह डिवाइड होता है, यानी कि लीवर के पास दो चैम्बर होते हैं, पहला होता है राइट चैम्बर और दूसरा होता है लेफ्ट चैम्बर, यानी कि हम इसको बोलते हैं राइट लोब्स और लेफ्ट लोब्स। एंड यह इनक्लोज होता है, यानी कि कवर होता है एक फाइबरस कैप्सूल से। अगर मैं पूछूं कि आप लीवर को देखे हो, इफ यू आर नॉन नॉन वेजिटेरियन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, नॉन वेज यानी कि आप मीट खाते हो, तो आप लीवर को जरूर देखे हो। राइट, कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। ओके, आप जिसको कलेजा बोलते हो ना, बकरे के मीट को जब आप खाते हो तो उसमें आप देखते हो कलेजा, कुछ रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो जो कलेजा होता है ना, वो एक्चुअली हार्ट नहीं होता है। कलेजा को अगर इंग्लिश में थोड़ा सा देखें हम, तो क्या है, हार्ट आप बोलोगे, लेकिन वो जो कलेजा होता है या कलेजी जो भी बोलो, वो क्या है, लीवर है। जो हम उसको खाते हैं वो लीवर है। राइट, और जो वाइटिश कलर का होता है, थोड़ा सा ब्राउन और वाइट कलर का होता है, वो होता है लंग्स। राइट, तो इस तरीके से आप लीवर देखे हो, खाए भी हो, वो हम उसको लोकल वे में ऐसे कलेजा बोलते हैं, लेकिन वो स्पेशली कलेजा नहीं है, वो क्या है, लीवर है। ओके, तो अगली बार से अगर खाना तो देखना ध्यान से, खाते समय भी उसको आप अच्छा से स्टडी कर सकते हो, या खाने से पहले जब आपके घर आए या कहीं पे निकाला जा रहा है
तो वहाँ पे उसको शेप को देखना और इस शेप को देखना, क्या वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम इसके बारे में। इट प्रोड्यूसेज आरबीसी इन द एम्ब्रियो, यानी कि जब छोटा बच्चा होता है इन साइड द मदर, तो उसमें आरबीसी के प्रोडक्शन का काम कौन करता है? लीवर करता है। इसके साथ साथ लीवर, अगर हमारे बॉडी में एमिनो एसिड ज़्यादा हो जाए तो उनको डी एमिनेट करता है, यानी कि एमिनो एसिड को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डी एमिनेशन बोलते हैं, राइट? यानी कि एक्सेस एमिनो एसिड्स को कम करे, ओके, यूजफुल बाय प्रोडक्ट में चेंज करे, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डी एमिनेशन। देन आफ्टर लीवर सेक्रेट करता है स्पेशल टाइप ऑफ जूस को, जिसको हम बोलते हैं बाइल। क्या बोलते हैं इसको? हम बाइल बोलते हैं, जो कि स्टोर्ड होता है एक पियर शेप्ड। पियर क्या होता है? नाशपाती होता है, राइट? तो नाशपाती के शेप के जैसे पार्ट में, स्ट्रक्चर में, यह बाइल जूस क्या होता है? स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं हम? गॉल ब्लैडर। और यह गॉल ब्लैडर जो हॉलो पार्ट होता है लीवर का, उसी में लोकेट करता है, ओके। गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट निकलता है, जहां से बाइल आके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में रिलीज होता है, और तब उसका एक्शन स्टार्ट होता है। तो बाइल जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड क्रिएटिंग एन अल्कलाइन मीडियम विच इज इसेंशियल फॉर द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। यानी कि जो बाइल जूस है वह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को इमल्सिफाई करने में, और साथ में फूड के मीडियम को चेंज कर देता है। यानी कि स्टमक तक एसिडिक मीडियम होता है, लेकिन जैसे वह स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो बाइल जूस के एक्शन से उसका मीडियम चेंज हो जाता है, यानी कि वह अल्कलाइन मीडियम में चला जाता है। जब वो अल्कलाइन मीडियम में चला जाता है तो वहां पे पेंक्रियाटिक जूस इजिली वहां उस फूड पे एक्ट कर पाते हैं और उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका फिगर लीवर का, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये राइट लोब है और ये जो है हमारा वो लेफ्ट लोब है, ओके। यहाँ पे गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, गॉट इट? तो यहाँ पे ये क्या है हमारा? ये लीवर का स्ट्रक्चर है, जिसको आप देख सकते हो अच्छा से, नो नीड टू वरी अबाउट इट। वहां पे हमने यूज करा था टर्म इमल्सिफिकेशन, वहां पे मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे आगे आपको डिफिनेशन खुद ही पढ़ना है। इमल्सिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में क्या करता है, क्या किया जाता है, ब्रेक होता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। अगर हम इसको प्रोफेशनली या ऑफिशियली डिफाइन करें तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इंटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और ये कौन करता है? बाइल करते हैं, ओके। यानी कि जो बाइल जूस होता है वही इमल्सिफाई करता है फैट मॉलिक्यूल्स को। द थर्ड ग्लैंड और डाइजेस्टिव ग्लैंड इज द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। पैंक्रियाज के पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ के जैसा दिखाई देता है यह, और यह स्टमक के जस्ट नीचे ही होता है। यह ड्यूअल नेचर प्ले करता है, यानी कि दो नेचर प्ले करता है, शो करता है। पहला पहला क्या है? डाइजेशन के लिए, जो इसका पहला रोल है वो डाइजेशन के लिए है, और जो दूसरा रोल है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, यानी कि यह इंडोक्राइन पार्ट को भी फॉर्म करता है, जहाँ से हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, गॉट इट? यानी कि यह डाइजेस्टिव जूस के साथ साथ कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग हार्मोन को भी सेक्रेट करता है, इसीलिए यह ड्यूअल नेचर प्ले करता है हमारे बॉडी में। पैंक्रियाटिक जूसेस एड्स इन द डाइजेशन, यानी कि जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस को ऐड करता है फूड में, ताकि डाइजेशन अच्छा से हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, ये हमारा पैंक्रियाज है, राइट? पैंक्रियाज के थ्री पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे टेल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मिडल पार्ट है वो बॉडी पार्ट है, एंड ये जो पार्ट है वो हेड पार्ट है। तो डिफरेंट पार्ट्स हैं, और ये डिफरेंट पार्ट्स क्या करते हैं? सेक्रेशन को रिलीज करते हैं, राइट? यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, कॉमन बाइल डक्ट है, तो कॉमन बाइल डक्ट में ही लास्ट में आके इसके जो डक्ट हैं पेंक्रियाज के, वो यहाँ पे ओपन होते हैं, और यहीं से इनका सेक्रेशन चला आता है। और देन एंड देन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट भी है, जहाँ से
जो पेंक्रियाज का सेक्रेशन होता है वो आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होता है, ओके। और ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा डियोडेनम है। और यहाँ पे आप देखो तो ये जितने भी डक्ट्स हैं वो डियोडेनम में आके ओपन हो रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का वो है लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इनके लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो फॉर्म होते हैं आफ्टर डाइजेशन, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टेड फूड में, तो सॉरी नॉट इन डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड में, तो उस वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं और साथ में एक्सक्रीटा का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो एक्सक्रीटा फॉर्म होता है उसको एस्टोर भी करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, आप बोल सकते हो कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ओके। और साथ में यह फॉर्म करते हैं फिशेस, फिशेस का मतलब होता है एक्सक्रीटा, अनडाइजेस्टेड फूड, और उसको वहाँ पे स्टोर भी किया जाता है। इट हैज थ्री पार्ट्स, इसके थ्री पार्ट्स हैं। पहला क्या है, सिकम है, जो स्मॉल ब्लाइंड पाउच है एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे से जुड़ते हैं उसी ब्लाइंड पाउच को, ब्लाइंड जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिकम बोलते हैं, ओके। एंड दैट इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद से सिकम के बाद से आता है हमारा कॉलन पार्ट, ओके। तो कॉलन पार्ट जहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि वहीं पे अब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि बस यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ही होता है, ओके, एब्जॉर्प्शन ही होता है, न कि डाइजेशन, यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, राइट। जो इसका थर्ड पार्ट है वो है रेक्टम। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच ओपन आउटसाइड थ्रू एनस। एनस क्या है, एक पोर है जहाँ जहाँ पे क्या होता है, रेक्टम ओपन होता है। रेक्टम क्या है, लास्ट पार्ट है, और रेक्टम में ही जो फिशेज होते हैं यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वह स्टोर होते हैं। जब उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जब वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो स्फिंक्टर जो एनस के ऊपर जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, और देन एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के आउटसाइड रिमूव कर दिया जाता है, राइट। यहाँ पे कॉलन भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, जिसकी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन वहाँ पे हो पाता है। तो इस तरीके से जो लार्ज इंटेस्टाइन है वह थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, ओके। समझ में आ रहा है ना, कुछ मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा। अब हम जानेंगे ना कि डाइजेशन फिजियोलॉजी क्या है, यानी कि डाइजेशन कैसे होता है। अभी तक हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे एलिमेंट्री कैनल के हर एक पार्ट को, अब हम देखेंगे कि एक्चुअली डाइजेशन कैसे होता है, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, ओके। तो आजकल क्या है ना कि एक प्रॉब्लम सबको सता रही है, और वो प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, यानी कि गैस का फॉर्मेशन होना, इनडाइजेशन। ये प्रॉब्लम सबको है अभी, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना, चाहे वो कोई यंग क्यों ना हो, राइट, चाहे वो कोई ओल्ड क्यों नहीं हो, ओल्ड पर्सन ही क्यों ना हो, सबको यही प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक का। तो ये क्यों होता है, इसका आंसर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं माउथ से, यानी कि जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, राइट। डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द माउथ, जैसे हमने बात करा था स्टार्टिंग में ही, जब हम मेस्टिकेशन ऑफ फूड बता रहे थे, तो वहीं पे मैंने बताया था कि जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है, मैंने वहां पे दिखाया था अंडर सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड, कि सलाइवा क्या करता है, स्टार्च पे यानी कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उस पर एक्ट करता है, और स्टार्च को ब्रेक कर देता है माल्टोज और डेक्सट्रिन में, जो कि क्या है, सिंपलर ग्लूकोज है। उसके बाद से हम बात करते हैं डाइजेशन इन द स्टमक, यानी कि स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है। तो पार्शियल डाइजेशन, जब मैं स्टमक बता रहा था तो मैंने बताया था कि वहां पे पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी कि पार्शियल डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टमक। हमने बात करा था कि स्टमक में HCl सेक्रेट होता है, यह HCl क्या करता है, पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर देता है जो कि पेप्सिन के फॉर्म में आ जाता है। फिर यह पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक कर देता है प्रोटीन को। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है,
राइट। तो जब ये पेप्सिनोजेन एक्टिव हो जाता है तो उसको हम पेप्सिन बोलते हैं, और यह पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक कर देता है, किसमें, प्रोटियोजेस में, सिंपलर प्रोटीन में, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में, ताकि यह इजिली क्या हो सके, अब्जॉर्ब किए जा सके। तो यहाँ पे इक्वेशन भी आप देख रहे हो, पेप्सिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, एचसीएल इसको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि जब एचसीएल पेप्सिनोजेन के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको चेंज कर देता है किसमें, पेप्सिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म है। उसके बाद से प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, इस प्रोटीन्स पे क्या एक्ट करता है, इस प्रोटीन पे एक्ट करता है पेप्सिन, और जो मीडियम होता है फूड का वो क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है, क्योंकि हम स्टमक के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टमक में जो फूड का मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। अगर अगर आपको इस बात पे डाउट हो, तो जो वॉमिटिंग, जब वॉमिटिंग होता है तो जो वॉमिट का जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, एसिडिक होता है, राइट। आप चेक करना अगली बार, अगर आपको वॉमिट हो तो आप चेक करना कि फूड का जो मीडियम होता है कैसे होता है। तो इस तरीके से प्रोटीन पे क्या एक्ट करता है, पेप्सिन, राइट, जो फूड का मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है, और यह प्रोटीन ब्रेक हो जाता है प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में, जो कि सिंपलर प्रोटीन्स है। नोट पॉइंट भी हम देखेंगे यहाँ पे, रेनिन एक्ट्स ऑन केसिन ऑफ मिल्क एंड ब्रेक्स डाउन इनटू पैराकेसिन व्हिच इज फर्दर डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन, यानी कि रेनिन भी एक प्रोटीन, रेनिन एंजाइम है, जो कि कैसीन, कैसीन प्रोटीन मिल्क में होता है और यह ब्रेक किया जाता है रेनिन के द्वारा, राइट, और कैसीन चेंज हो जाता है पैराकेसिन में, और बाद में यह डाइजेस्ट किया जाता है किससे, पेप्सिन से। ओके, बच्चों में ये काम होता है ज्यादा, राइट, वैसे तो यंग में भी होता है। कैसीन यहाँ पे आप देख सकते हो, कैसीन है, कैसीन पे क्या एक्ट कर रहा है, रेनिन, यानी कि रेनिन इसको ब्रेक कर दे रहा है किसमें, पैराकेसिन में, और फिर यह पैराकेसिन पेप्सिन से डाइजेस्ट किया जाता है, यानी कि जब पेप्सिन इस पे पैराकेसिन पे एक्ट करता है तो तब यह प्रोटियोजेस और पेप्टिन को फॉर्म करता है, देन एंड देन वो क्या होता है, इजिली ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे बॉडी में। उसके बाद से है डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन, यानी कि अब इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हम कर रहे हैं, तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन फूड मिक्सेस विद बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि इंटेस्टाइन में जो फूड जाता है वो मिक्स हो जाता है किससे, फूड से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड जाता है वो मिक्स हो जाता है बाइल जूस से, पैंक्रियाटिक जूस से और इंटेस्टाइनल जूस से, एंड तब उसका क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो फटाफट हम देख लेते हैं एक्शन ऑफ बाइल, बाइल कहाँ से आता है, लीवर से आता है। ओके, लीवर से बाइल आता है, तो बाइल क्या करता है, इट इमल्सिफाइज फैट मॉलिक्यूल्स, यानी कि यह फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है, और उसके साथ साथ जो मीडियम होता है फूड को उसको चेंज कर देता है, यानी कि एसिडिक मीडियम टू द अल्कलाइन मीडियम। यहाँ पे मैंने काइम ऐड किया, काइम क्या है, द स्लरी पार्ट ऑफ फूड। ओके, तो पेस्ट के फॉर्म में जब फूड होता है उसको हम बोलते हैं काइम। जब हम माउथ में देख रहे थे, ओरल कैविटी में, तो अब फूड को हम वहां पे क्या बोल रहे थे, बोलस बोल रहे थे, स्टमक और इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको हम बोलते हैं काइम, राइट, और इंड पार्ट तक यह जाते जाते, यानी कि जैसे यह स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ता है तो यह बन जाता है काइल, राइट, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हो, फैट, फैट मॉलिक्यूल्स पे किसका एक्शन हो रहा है, बाइल जूस का। ओके, यह बाइल जूस क्या कर रहा है, इमल्सिफाइड फैट में, यानी कि फैट मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाई कर देता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। ओके, अब जो एसिडिक काइम है, यानी कि जो एसिडिक मीडियम ऑफ फूड है, वो चेंज हो जाता है अल्कलाइन मीडियम में, राइट, यहाँ पे बाइल जूस का एक्शन हो रहा है। अब एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस का कैसे एक्शन होता है, तो सबसे पहले हम देख लें कि पैंक्रियाटिक जूस में कैसे कैसे एंजाइम्स होते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है कीमोट्रिप्सिन, और तीसरा होता है एमाइलेज, और चौथा होता है लिपेज। ओके, तो चार तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो फटाफट हम इनका एक्शन देख लेते हैं कि कैसे यह फूड पे एक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कन्वर्ट्स देम इनटू पॉलीपेप्टाइड, यानी कि
जो ट्रिप्सिन होते हैं वो प्रोटीन पे एक्ट करते हैं और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, पॉलीपेप्टाइड्स में, राइट, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स में। यानी कि हम वहाँ पे स्टमक में देख रहे थे, यहाँ पे हमने देखा था, व्हाट डू यू से दैट, यहाँ पे स्टमक में हमने देखा था कि प्रोटीन जो है वह प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में हो रहा है। तो रेस्ट ऑफ जो प्रोटीन होते हैं वो फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किए जाते हैं, डाइजेस्ट किए जाते हैं। यानी कि ट्रिप्सिन क्या कर देता है कि रेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें, पॉलीपेप्टाइड्स में, और फिर ये पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, इजिली ऑब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। देन आफ्टर जो सेकेंड है वो है कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन क्या होता है ना, स्पेसिफिक प्रोटीन पे एक्ट करता है और उस स्पेसिफिक प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स में। यानी कि कुछ स्पेशल होते हैं वो स्पेशली क्या होते हैं, डाइजेस्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, या ब्रेक किए जाते हैं कीमोट्रिप्सिन के द्वारा, ओके। और ये भी लास्ट में चेंज हो जाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स में। तो यहाँ पे आप रिएक्शन में भी देख सकते हो कि स्पेसिफाइड और स्पेसिफिक प्रोटीन्स पे काम कौन करता है, कीमोट्रिप्सिन, उसको चेंज कर देते हैं किसमें, पॉलीपेप्टाइड्स में, राइट। जो नेक्स्ट है हमारा वो है एमाइलेज। यानी कि एमाइलेज एक्ट करता है किस पे, स्टार्च पे, ओके, एंड कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर अगर फूड अच्छा से चीव ना हुआ हो, अच्छा से उधर उसका डाइजेशन ना हो, तो यहाँ पे फिर जो एमाइलेज है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में, जो कि एक सिंपल शुगर है, और उसको इजिली क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जा सकता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे शो किया गया, स्टार्च एंड कॉम्प्लेक्स शुगर पे एक्ट करता है एमाइलेज। फूड का जो ये मीडियम है वो अल्कलाइन मीडियम है, ओके, और ये चेंज हो जाता है माल्टोज में। फिर जो लिपेज है, ये अभी हम पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं उनके उनका एक्शन देख रहे हैं। लिपेज जो है वह इमल्सिफाइड फैट, यानी कि जो बाइल जूस जिस फैट को इमल्सिफाई करता है, फिर वह इमल्सिफाइड फैट लाइपेज से क्या होता है, डाइजेस्ट किया जाता है। यानी कि लाइपेज क्या करता है, उस इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है, तब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारे बॉडी ऑर्गेन्स के द्वारा यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि जो इंटेस्टाइनल जूस है उनका एक्शन क्या होता है फूड के ऊपर, ओके। तो इंटेस्टाइनल जूस भी स्पेशल टाइप ऑफ क्या कैरी करते हैं, कंटेन करते हैं एंजाइम्स को, जैसे इरेप्सिन हो गया। इरेप्सिन को हम पेप्टाइडेज के नाम से भी जानते हैं, ओके। जो दूसरा है इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम वो है माल्टेज, फिर है सुक्रेज और लैक्टेज। प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनना, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। ये है पहला जो है एंजाइम वो है इरेप्सिन, जिसको हम पेप्टाइडेज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। अब हम देख लेते हैं इनका एक्शन कैसे होता है। तो इरेप्सिन, इरेप्सिन एक्ट्स ऑन पेप्टाइड्स। इरेप्सिन क्या होते हैं, पेप्टाइड्स पे एक्ट करते हैं, यानी कि पेप्टाइड्स को ब्रेक करते हैं, ओके, और कन्वर्ट कर देते हैं उस पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में, और उस एमिनो एसिड्स का हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर रिएक्शन में भी आप देख सकते हो कि पेप्टाइड्स ब्रेक किए जाते हैं पेप्टाइडेज एंजाइम्स के द्वारा, ओके। फूड का मीडियम अल्कलाइन ही होता है और पेप्टाइड्स ये चेंज हो जाते हैं किसमें, एमिनो एसिड्स में। उसके बाद से क्या हमारा माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम क्या है, यह एक इंटेस्टाइनल एमाइलेज है, हमने वहां पर भी पेंक्रियाज में भी एमाइलेज देखा था। तो माल्टेज भी एक तरह का इंटेस्टाइनल एमाइलेज है जो कन्वर्ट करता है किसको, माल्टोज में, सॉरी माल्टोज इंटू ग्लूकोज, यानी कि माल्टोज को या ग्लूकोज में, सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा है, ओके। जैसे हमने देखा था कि स्टार्च जो कन्वर्ट होता है तो क्या फॉर्म करता है, माल्टोज फॉर्म करता है, और वही माल्टोज यहाँ पे आके कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन में कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है, माल्टोज पे एक्ट कर रहा है कौन सा, माल्टेज एंजाइम, ओके, और फॉर्म कर रहा है क्या, सिंपल ग्लूकोज, राइट, एनर्जी। फिर जो हमारा है वो सुक्रेज। सुक्रेज एक्ट्स ऑन केन शुगर एंड कन्वर्ट्स इट इंटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। केन शुगर का मतलब ये है कि जो सिंपली हम शुगर खाते हैं, चीनी जो खाते हैं, तो इसी उसी शुगर पे ये सुक्रेज काम करता है, ओके,
और उस केन शुगर को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में, ओके, जो कि सिंपल शुगर है। तो सुक्रोज पे एक्ट करता है सुक्रेज। फूड का मीडियम क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम होता है, और सुक्रोज जो है वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। जो लास्ट है राइट, वो है हमारा लैक्टेज। लैक्टिक एसिड आपने सुना था मिल्क में, तो जो लैक्टेज है वो एक्ट करता है मिल्क शुगर लैक्टोज पे, ओके, लैक्टोज पे एक्ट करता है और लैक्टोज को चेंज कर देता है, यानी कि कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में, जहां से ग्लूकोज और गैलेक्टोज इजिली ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन में आप देख रहे हो कि लैक्टोज पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, लैक्टेज इंटेस्टाइनल एंजाइम काम कर रहा है, और फूड का जो मीडियम है वो अल्कलाइन मीडियम है राइट। यहाँ पे फूड का मीडियम क्या है, अल्कलाइन मीडियम है। लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, फिर यह फर्दर ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वह फॉर्म होता है राइट। यानी कि यहाँ पे जो काइम है वह चेंज हो जाता है एक लिक्विड फॉर्म, एक लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं काइल। मैंने बोला था ना कि डाइजेशन के क्रम में फूड थ्री स्टेट में रहता है, माउथ में बोलस बन के, स्टमक में आते आते क्या बन जाता है, काइम बन जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी काइम ही रहता है, लेकिन जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन को लीव करता है तो क्या बन जाता है, काइल बन जाता है। तो इस तरीके से फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन तो होता ही नहीं है राइट। तो मैंने एक क्वेश्चन बोला था वहाँ पे कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि आजकल सभी लोग ना इनडाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो यह सफ़र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको अच्छा से केयर नहीं कर रहे हैं राइट। तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स किसी को भी हो रहे हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कुछ। सबसे पहले तो कुछ हम योगा कर लेंगे, योगा कर लेंगे, यानी कि अपने पैर को कुछ ऐसे फोल्ड करके बैठेंगे खाना खाने के बाद से, ताकि हमारा जो डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाए, ओके। उसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हो, फर्स्ट थिंग इज दैट कि खाना खाने के जस्ट आफ्टर, खाना खाने के बाद हमको पानी नहीं पीना चाहिए राइट। पानी नहीं पीना चाहिए, इससे होता क्या है कि जैसे हम उस पानी को पीते हैं तो जो HCl हमारे स्टमक का होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है, जो कि फूड के साथ अच्छा से मिक्स नहीं होता है। जैसे कि फूड का जो मीडियम है वो चेंज नहीं हो पाता है, और पेंक्रियाटिक जूस उस पर अच्छा से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो जब अच्छा से वर्क नहीं करते हैं तो फूड का डाइजेशन अच्छा से नहीं होता है, इसीलिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इनिशिएट होने लगते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है आपको, डॉक्टर या कोई भी बोलता है पढ़ा लिखा आदमी, कि खाना खाने के जस्ट आफ्टर आपको पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम खाना खाने के 15 या 20 मिनट या आधा घंटे के बाद से, 30 मिनट्स के बाद से आपको पूरा पानी पीना चाहिए, ताकि उस समय तक फूड में HCl अच्छा से मिक्स हो जाए, फूड के मीडियम को चेंज कर दे राइट, और उसका डाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट हो सके। तो इस तरीके से आपका ये जो लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन, वो होता है कंप्लीट। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे 3 तरह के नोट्स। पहला नोट्स मिलेगा आपको, दैट इज फाउंडेशन नोट्स, जो कि डिटेल में है। दूसरा मिलेगा आपको रिवीजन नोट, जिसको आप देख के अच्छा से रिवाइज कर सकते हो। तीसरा आपको मिलेगा एडवांस नोट्स, यानी कि वहां पे कुछ एडवांस लेवल पे उस नोट्स को प्रिपेयर किया गया है, ओके। और वो जो नोट्स है वो स्पेशली NTSC के लिए है, और जब आप 10th पास करते हो तो BHU में एडमिशन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए राइट। तो आप तीनों को फॉलो कर सकते हो, तीनों को पढ़ सकते हो, बिकॉज नॉलेज आने से मतलब है, और कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप उसको जाके एक बार देखो राइट। एंड नोट्स को भी बनाते रहो, और समझने के बाद से क्या करो ना कि अपना एक शॉर्ट नोट बनाओ, आपने क्या समझा। मुझे नहीं लगता कि ये जो जितना भी हमने टॉपिक डील करा न्यूट्रिशन, वो कोई ज़्यादा टफ था राइट। उसके साथ साथ आपको इसका असाइनमेंट भी मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप उसको करो, उस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना राइट।
तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, शेयर करना भूलें। और बाय डिफॉल्ट ऑफ यूट्यूब, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि वो भी इस फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, राइट। और सीबीएसई को से सीखते रहो। ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।